नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। मैं हूँ आपके साथ ऋतु ज्ञानमणि। छत्तीसगढ़ भारत में युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य है। एक ऐसा राज्य जहाँ की कुल आबादी 65% युवा है। युवाओं का ये राज्य छत्तीसगढ़ भी अब 20 वर्ष का युवा हो चुका है। ऐसे युवा राज्य में नई सरकार ने युवाओं को आगे लाने, उनकी प्रतिभाओं को मंच देने, उन्हें उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए एक महायोजन किया है। इस आयोजन को नाम दिया गया है युवा महोत्सव। एक ऐसा महोत्सव जिसकी तैयारी 3 महीने तक चली है, एक ऐसा महोत्सव जिसमें 7,000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया है। देखिए रिपोर्ट। ये भव्य नजारा, ये इंद्रधनुषी रंग सारा, ये उमंग, ये उत्साह, ये जोश, ये मलंग सारा, ये मदमस्त तस्वीर, ये नवा छत्तीसगढ़ की तकदीर, ये दृश्य, ये छाप, ये सुर, ये आलाप, ये खेल, ये नृत्य, ये थाप, ये शोर, ये आवाज नए भारत की, नवा छत्तीसगढ़ की है। ये सबके जीवन में उत्सव की है, उस उत्सव की जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने युवा महोत्सव 2020 में बदल दिया है। एक ऐसे महोत्सव में जिसने छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ से अधिक युवाओं में एक नया जोश भर दिया है। इस जोशीले महोत्सव का आगाज स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से हुआ और नए वर्ष के पहले पर्व मकर संक्रांति के दिन इसका समापन हुआ। इस महोत्सव को भूपेश सरकार ने एक ऐतिहासिक महोत्सव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, खेलवो, जीतवो, गढ़वो नवा शक्ति। अक्टूबर से विकास खंड स्तर पर शुरू युवाओं का उत्सव विवेकानंद की जयंती पर राज्य स्तरीय महोत्सव का रूप ले चुका है। जब 12 जनवरी को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के मुख्य मंच पर इसका आगाज हुआ तो सब तरह से ही आवाज गूंज रही थी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बारह जनवरी को 3 दिवसीय युवा महोत्सव की शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बतौर मुख्य अतिथि की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा, युवा महोत्सव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल को बधाई देते हैं। इससे छत्तीसगढ़ की विभिन्न ग्रामीण खेलों, लोक नृत्य, ललित कला और शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रतियोगिताओं से ग्रामीण खेल प्रतिभाएं निखर कर बाहर आएंगी और प्रदेश की स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ शासन की अनोखी पहल है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। लगातार नवंबर माह से मैं देख रही हूँ कि राज उत्सव, इसके बाद आदिवासी उत्सव और इसके बाद ये युवा महोत्सव, ये इतने अच्छे कार्यक्रम हुए हैं प्रदेश में। बहुत ही शानदार और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बार बार बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि आपके नेतृत्व में मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा और इतना अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर इस राजधानी में हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये प्रदेश चहुमुखी विकास करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। युवा उत्सव के हर रंग को आपको दिखाएं, इससे पहले मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने क्या कहा वह भी आप जान लीजिए।
पहले दिन मुख्यमंत्री ने कहा, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व का दिन है क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का छत्तीसगढ़ के साथ गहरा संबंध रहा है। स्वामी जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण दो वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए थे। आज युवा महोत्सव है और ये महोत्सव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष दिन के रूप में यह दर्ज होगा क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और छत्तीसगढ़ में स्वामी जी महत्वपूर्ण दो वर्ष गुजारे हैं। तो स्वामी जी से, स्वामी विवेकानंद जी से हम लोगों का गहरा नाता और इस दिन को हम युवा उत्सव के रूप में हर साल मनाते हैं। साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से कहा था कि मैं यहाँ के नौजवानों को धर्म से जोड़ने के बजाय फुटबॉल के ग्राउंड में खेलते हुए देखना पसंद करूंगा। वो चाहते थे यहाँ के नौजवान के स्नायु फौलादी हो, फौलादी शरीर हो, मजबूत हो, ताकतवर बने, ये स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे। आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, जब स्वामी जी यहाँ आए तो आप लोगों से कम उम्र रही है। 12 से 14 साल की उम्र में यहाँ रायपुर आए थे अपने पिताजी के साथ। महत्वपूर्ण दो वर्ष उन्होंने बिताए। देव भवन को भी स्मारक के रूप में हम विकसित करेंगे, उसके भी अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। आदरणीय साथियों, मैं इस अवसर पर और बहुत ज्यादा न कहते हुए केवल यही कहना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान विवेकानंद जी को सुने, पढ़े और अपने जीवन में आत्मसात करें, उनके आदर्शों पर चले और एक सुदृढ़ छत्तीसगढ़ हम सब बनाए। क्योंकि यदि नौजवान खेल में, पढ़ाई में ध्यान देंगे तो समझ लीजिए उतना ही नशा से दूर होंगे। हम लोगों का स्लोगन है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, खेलबो, जीतबो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। मेरे साथ दोहराएंगे, खेलबो, जीतबो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। मैं स्वामी विवेकानंद जी को सत सत नमन करते हुए यही विश्वास करता हूं कि हम सब उनसे प्रेरणा लेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। आज राज्य के कोने कोने से आए नौजवान कलाकार यहां उपस्थित हैं। राज्य युवा दिवस मनाने का यह एक बहुत बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीका है, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के युवाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित किया है। वहीं इस आगाज के मौके पर बतौर विशेष अतिथि मौजूद थे युवाओं के रोल मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह। उन्होंने राज्य सरकार को खेल विकास प्राधिकरण गठन के लिए बधाई देते हुए क्या कहा, ये आप भी सुनिए। तीन दिन तक आयोजित होने वाले इस युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ से उपस्थित युवा साथियों का आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत सारी गुड विशेष देता हूँ। बिकॉज खेल में दो चीजें होती हैं, एक तो आप जीतते हैं, दूसरा आप सीखते हैं। तो अगर आप हार जाए तो मन छोटा मत कीजिए, आप सीखते हैं। कभी हारता नहीं खिलाड़ी, कभी भी हारते वो है जो कभी प्रयास नहीं करते। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में खेल विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया। मेरे को बताया गया कि भैया खेल विकास के लिए खेल विकास प्राधिकरण का एक गठन किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शुरुआत की है और ये बहुत काबिले तारीफ है। ये बहुत बड़ी बात है किसी राज्य सरकार के लिए कि उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसी खेल संगठन का एक उद्घाटन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने कि खेलों के बारे में इतना सोचा। युवा महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने खेल विकास प्राधिकरण के लोगों का विमोचन किया। वहीं राज्य गीत अरपा पैरी की धार गाने वाले दिव्यांग बच्चों का सम्मान भी किया। लेकिन इससे कहीं खास था वह नजारा
जो छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित तमाम अतिथियों ने राज्य के पारंपरिक खेलों का आनंद लिया। भौरा चलाने से लेकर रस्सी खींच, गेड़ी और पिट्ठू जैसे खेल खेलकर अतिथियों ने महोत्सव के आगाज को और भव्य बना दिया। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक खेलों को शामिल किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ जब हजारों की संख्या में युवाओं को अपने हुनर को दिखाने का मौका मिला। इस महोत्सव में प्रथम नागरिक और प्रदेश के मुखिया भी पारंपरिक खेलों को खेलने से खुद को रोक नहीं पाए। कैसा रहा युवा महोत्सव, देखिए स्वराज एक्सप्रेस के कैमरों की नजरों में। जानिए क्या कहते हैं युवा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट में। यह 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2020 पूरी तरह छत्तीसगढ़ी संस्कृति और रंग में रंगा हुआ नजर आया है। इस महोत्सव में 7,000 से अधिक प्रतिभागियों ने 821 विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित खेल फुगड़ी, भौरा, जेड़ी दौड़ एवं चाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ी लोक गीत और लोक नृत्य कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सरहुल, सुवा, डंडा, बस्तरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। साथ ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित चित्रकला, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजनों के फूड फेस्टिवल ने भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के लिए साइंस कॉलेज में कई बड़े भव्य मंच बनाए गए थे। इसके साथ ही साइंस कॉलेज सभागृह, दीनदयाल ऑडिटोरियम, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में युवाओं ने प्रस्तुति भी दी। विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता परिसर के खुले मैदान में महिला एवं पुरुष खेल खो खो, कबड्डी का भी आयोजन हुआ। महोत्सव में 15 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल रहे। युवा महोत्सव में हिस्सा लेने आए युवाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। युवा उत्सव का आखिरी दिन है और युवाओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। यह 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2020 पूरी तरह छत्तीसगढ़ी संस्कृति और रंग में रंगा हुआ नजर आया है। इस महोत्सव में 7,000 से अधिक प्रतिभागियों ने 821 विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित खेल फुगड़ी, भौरा, जेड़ी दौड़ एवं चाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ी लोक गीत और लोक नृत्य कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सरहुल, सुवा, डंडा, बस्तरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। साथ ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित चित्रकला, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजनों के फूड फेस्टिवल ने भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के लिए साइंस कॉलेज में कई बड़े भव्य मंच बनाए गए थे। इसके साथ ही साइंस कॉलेज सभागृह, दीनदयाल ऑडिटोरियम, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में युवाओं ने प्रस्तुति भी दी। विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता परिसर के खुले मैदान में महिला एवं पुरुष खेल खो खो, कबड्डी का भी आयोजन हुआ। महोत्सव में 15 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल रहे। युवा महोत्सव में हिस्सा लेने आए युवाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। युवा उत्सव का आखिरी दिन है और युवाओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। समापन समारोह अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है, लेकिन प्रदेश के अलग अलग कैसा 3 दिन का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा और हमारे भूपेश सरकार बहुत ही बेहतरीन सुंदर हो सके था, जो कि हमारे युवा साथियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। ऐसे ही आगे मंच देते रहेंगे ताकि हमारे छत्तीसगढ़ युवा आगे बढ़ते रहे। बहुत ही बेहतरीन सरकार है जो हमारे भूपेश बघेल हमारे युवाओं के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूपेश जी को मैं हृदय से सैल्यूट करता हूँ। ट्रॉफी मिली है, किस चीज में मिली? सेकंड कहाँ से? अब बिलासपुर जिला
तो तीन दिन बहुत सारे लोगों से मिले, प्रदेश के हजारों लोगों से, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आए थे, बहुत अच्छी कला कह रहे थे और हर प्रकार से हर मंच में नए नए युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ही अच्छे चीजें लगी गई थी हमारे बीच। ये देखने को ज्यादा मिला कि यहाँ जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के जिले हैं उसमें अनेक प्रकार के कल्चर के हिसाब से वेशभूषा का प्रदर्शन हुआ जिसमें हमको देखकर अब चले जाएंगे आप लोगों को थोड़ा सा अफसोस होगा, बहुत ज्यादा होगा कि हमको ऐसा लग रहा है काश ये एक दिन अब तो और होता ताकि और हम मजे कर सकते और हम यहाँ आनंद उठा सकते। तो मजे ले रहे हैं, मजा खूब आया है और ये सिक्योरिटी और ये देख सकते हैं तमाम लड़कियों को जो एंजॉय कर रही है, डांस करके अपनी खुशी जाहिर कर रही है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग ट्रांसपोर्ट। कौन सी टीम में है? साउथ टाटा। तो कैसा रहा परफॉर्मेंस? कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे यहाँ पर, यहाँ पर मन में परफॉर्मेंस करने का। अच्छा लगा? इससे पहले भी युवा महोत्सव में आया कि पहली बार? पहली बार आया, लेकिन बहुत बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा हम लोग का। यहाँ व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी थी, भूपेश बघेल जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की, खिलाड़ियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सभी के लिए। हमें बहुत पसंद आया, हम बहुत खुश हैं। अच्छा ये बताइए, अब आप लोग जाएंगे तीन दिन यहाँ पे रहे, क्या क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता थी यहाँ पे आके जानने को मिली, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से जाएंगे तो हम लोग इस जगह को बहुत मिस करने वाले हैं। आप लोग, ये कौन सा डांस है? कहाँ से आप लोग? तो ये अलग अलग टीमें हैं जिनको मौका मिल रहा है डांस करने का, मंच पर परफॉर्मेंस हमने दिखा चुके हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही मौका मिल रहा है आप पीछे तक देख सकते हैं हजारों की संख्या में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और युवा महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बढ़िया। क्या ये बताइए कि तीन दिन कैसा समय रहा? बहुत अच्छा लगा हम लोग को, बहुत मजा आया। अब ये लग रहा है कि अब चले जाएंगे, आखिरी दिन है, हम लोग कल वापस जाएंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा लग रहा है कि जिस माहौल में रहे वो कई में बहुत बड़ी कामयाबी है। वास्तव में पंथी से लेकर कर्मा और दगरिया से लेकर सुआ तक युवा प्रतिभा को अपने हुनर का प्रदर्शन करते देखना और देखना फुगड़ी से लेकर खो खो, कबड्डी और भौरा बाटी तक खेलों को बड़े मंचों पर होते हुए, कहीं कहीं यह बताने और दिखाने के लिए काफी है कि युवा राज्य छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक विरासतों को साथ लेकर वाकई पुरखों के सपनों को साकार करते हुए नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ रहा है। जिस जिसने भी यहाँ आकर इस महोत्सव को देखा और जिसने इस महोत्सव के बारे में पढ़ा, सबने यही कहा, वाह सरकार वाह, सचमुच ये तो गजब कर दिया आपने। इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2020 भले ही 14 जनवरी को समाप्त हो गया हो, लेकिन यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने समापन मौके पर घोषणा की कि अब हर साल इसी तरह से युवा महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव के आखिरी दिन सीएम ने प्रत्येक प्रतिभागी को 500 रुपए देने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने युवाओं से कहा कि गांव-गांव राजीव मतदान क्लब गठित किया जा रहा है, इस महोत्सव के अंतिम दिन युवा जमकर झूमे, तो मुख्यमंत्री भी युवाओं के बीच जाने से खुद को रोक नहीं पाए। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे गांव रही मन में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सवार कौशल के है, प्रोत्साहन के है और वो कलम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए गए। आज हमारे जितने भी मनोरंजन छात्र छात्रा मना है, खिलाड़ी मना है, कलाकार आ है, वो बल अतेक बड़ा मंच संभवतः पहली बार मिले हैं, उनका सुनिश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये कलाकार बन के, ये खिलाड़ी बन के
आत्मविश्वास से होए कि नहीं होए। ये नजारा युवा महोत्सव के अंतिम दिन का है, उस दिन का जब 3 दिवसीय विराट महोत्सव का समापन हुआ। समापन का यह मौका प्रदेश भर से हजारों युवाओं के साथ अतिथियों के लिए भावुक कर देने वाला था। यह एक ऐसा अवसर था जब राजधानी रायपुर के कोने कोने से युवा एक दूसरे से विदा हो रहे थे, बिछड़ रहे थे, लेकिन इस वादे के साथ कि वे आने वाले साल में फिर मिलेंगे। और इस वादे के बीच युवा झूम रहे थे ये कहते हुए कि आयोजन के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि तीनों दिन आपके कार्यक्रम को देखूं, आपके साथ खेलकर अपने बचपन को याद करूं, लेकिन स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोगों के बीच में भाईचारा है, हम कोई भी गांव जिले में रहें, हमारा जो संबंध है, जो भाईचारा और एकता है, वह मजबूती के साथ बना रहे, इसी उद्देश्य से इस युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। अब हर साल इसी तरह से 3 दिन का यह महोत्सव होता रहेगा। 12 से लेकर 14 जनवरी के बीच 3 दिन तक के युवा महोत्सव हर साल होगा। वहीं समापन मौके पर समारोह की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती से शानदार युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक 7,000 से अधिक युवाओं ने अपने खेल कला संस्कृति का प्रदर्शन किया, कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। इसके लिए व्यवस्थाओं से जुड़े सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खेलबो जीतबो और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करें। एक बार जरूर कहना चाहूं कि इसका जबर आयोजन छत्तीसगढ़ में हुई आदिवासी मन के एक जगह थोड़ा भी शिकायत नहीं मिले। आज पूरा देश ने हमारे प्रदेश ने युवा मन आए हैं, एक जगह लड़ाई न एक जगह झगड़ा, 7,000 से ज्यादा लड़का लड़की मन बैठ के साथ यहाँ आनंद करे हैं, नाचे हैं, गाए हैं, कूदे हैं, खेले हैं, कोई शिकायत नहीं। और ये व्यवस्था अगर हो है तो प्रशासनिक अधिकारी मनला मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता, बहुत बहुत धन्यवाद देना भी चाहता कि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करें, भूपेश भाई के नाम रोशन करें, और पूरा मंत्रिमंडल के साथी मन के जो सहयोग है ओकर नाम रोशन करें। तुम्हार ऊर्जा, तुम्हार क्षमता, ये सब न बढ़ाए पर युवा उत्सव के महत्व रही थे और महत्व साबित करके आपके मंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी दिखा दे हैं। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, आप आगे बढ़ाओ, देश लगाओ, प्रदेश लगाओ, घर लगाओ, परिवार लगाओ, और छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री के जो सपना है, खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ साकार करा, इसके आप सब मन शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समापन समारोह में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ को बने 20 बरस हो गए हैं, पहली बार युवाओं को 3 दिनों तक अपनी कला का जौहर दिखाने का अवसर मिला है, ग्रामीण खेल और उसकी संस्कृति को इस सरकार ने पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा कि देश के कई स्थानों पर युवा आंदोलनरत हैं, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। छत्तीसगढ़ बने 20 साल हो थे, लेकिन पहली बार 1000 किलोमीटर से भी लंबा हमारा छत्तीसगढ़ जसपुर से लेकर बीजापुर तक के नौजवान कलाकार युवा आज राजधानी में 3 दिन अपन कला के जौहर दिखाई, अपन प्रस्तुति दिन पहली बार लगी कि 20 साल बाद छत्तीसगढ़ हमारा अपन राज बने हैं। जब सारा देश के नौजवान आंदोलनरत थे और हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान ये छत्तीसगढ़ का जिला शांति के टापू कहे जाते आज राजधानी में एकत्रित होकर के हमारे कला का बिखेरा थे,
सारा देश के सामने एक मसाल प्रस्तुत करा थे हमारो छत्तीसगढ़ है जेमा वो ताकत है वो भाईचारा है वो प्रेम है कि पूरा देश का रास्ता बताए के काम यहाँ के नौजवान कर सकते। जबकि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि इस आयोजन में सभी क्षेत्रों से लोग शामिल हुए। क्या आयोजन युवाओं को जोड़ने और उनकी कला के प्रदर्शन का मंच देने में सफल रहा है? उन्होंने नए छत्तीसगढ़ निर्माण में युवाओं को मिलकर अपना योगदान देने का आह्वान किया। आइए आज के दिन हम सब शपथ लें कि हम नए छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। मैं युवा कलाकारों से आह्वान करता हूँ कि आप मांदर की कोई ऐसी छाप निकालिए जो छत्तीसगढ़ में हर्ष और उल्लास का वातावरण बनाए। युवा चित्रकारों को ऐसे रंग उकेरे जो छत्तीसगढ़ के बहुरंगी छटा के राज्य बना दे। कलाकार कोई ऐसी रचना लिखे जिसे पढ़कर ऊर्जा का संचार हो। राज्य के लहलाते धान हो, खुशहाल हो, किसान हो, हर नौजवान का सम्मान हो और राज्य का मान हो। हमारे राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी गर्वो नवा छत्तीसगढ़ के लिए कृत संकल्पित हैं। आइए हम अपना सब इसमें योगदान दें और इस पवित्र कार्य में अपना सहभागी बने। समापन मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा रोजगार संगी मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है और रोजगार संगी मोबाइल ऐप रोजगार प्रदान करने वाली संस्थाओं, व्यक्ति विशेष और कौशल प्रशिक्षित युवाओं के मध्य एक सेतु की तरह काम करेगा। इसके साथ ही राजीव गांधी मितान क्लब का लोगो भी विमोचित किया गया। यह महोत्सव वास्तव में हर किसी के लिए एक यादगार महोत्सव बन गया और इस यादगार महोत्सव में रंग छत्तीसगढ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी सुनते जाइए जो उन्होंने हमारे राजनीतिक संपादक रूपेश गुप्ता से खास बातचीत में कहा। कितने युवा खुद महसूस कर रहे हैं आज कितने युवा अभी तबीयत भी खराब है उसके बाद ही लोगों से मिल रहे हैं। युवाओं के बीच में रहा तो मन तो उत्साहित हो ही जाता है, उमंग के बाद तो मन उत्साहित हो जा रहा है। ये देखिए बच्चे यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।